ओके okay, अब देखते हैं सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज यहां पर हम तीन इंपॉर्टेंट फैमिलीज के बारे में बात करेंगे सबसे पहले मैं आपको इनके फ्लोरल फार्मूलाज याद करा दूंगा वो भी एक सिंपल सी ट्रिक से ओके okay, और मैं आपको खुद उस ट्रिक से फ्लोरल फार्मूला याद कराने के बाद लिख के दिखाऊंगा आपको बकायदा या फिर आप पहले बोलेंगे मैं आपको पहले लिख के दिखा दूंगा लेकिन जिस भी प्रकार से हम याद करेंगे आपको सारे फ्लोरल फार्मूला याद होंगे बिकॉज मुझे आज तक याद है और मैंने अपनी इलेवंथ क्लास में याद किए थे नीट में भी मैंने यूटिलाइज किए थे दिस वॉज द मोस्ट सुप्रीम ट्रिक जो कि आपको यहीं पर मिलेगी क्योंकि ये ट्रिक मेरी खुद की बनाई हुई है जाहिर सी बात है तो अल्टीमेटली आपको बहुत मजा आ जाएगा अब देखो यार फैमिलीज में आपकी तीन फैमिलीज़ है दैट यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट द वेरी फर्स्ट इज फेबेसी द सेकेंड इज सोलिनि थर्ड इज लिलियसी एक कहानी सुनो एक क्लास है जिसके अंदर बच्चे बैठे हुए अब उस बच्चे में से कोई ना कोई फर्स्ट भी आएगा तो एफ फोर क्या होता है एफ फोर आपका फर्स्ट क्योंकि बच्चा एफ फोर फर्स्ट है तो इसको हम फर्स्ट पोजिशन रखेंगे

मीडियो कर है क्योंकि इसे पढ़ाई में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो इसे प्लस की जरूरत है इसे नंबर थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे तो बुरा का अल्फाबेट देखो बी और आर। ये में बुरा है, तो बी आर लिख दिया मैंने यहां पर ये तो मेहनत की तो जरूरत है ही तो प्लस का साइन भी यहां पर आ जाएगा यानी हमने इन तीनों की सिमेट्री याद कर ली जो फर्स्ट आता है तो परसेंटेज है उसके पास मीडियोकर है तो उसे प्लस की जरूरत है इंप्रूवमेंट की जरूरत है और लीलिए काफी बुरा है तो बी लिख दिया और इसे इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो प्लस लिख दिया यानी ये आपका जाइगोमॉर्फ है यह आपका एक्टिनोमॉर्फिक है है आपका एक्टिनोमॉर्फिक है और ब्रैक्टीट इसके अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट अब बात करते हैं सेक्सुअलिटी की मैंने आपको सिंपल सी एक बात बता दी थी कि तीनों के तीनों या फिर ब्रेसी केसी को भी अगर आप ले लें ये बायसेक्सुअल होंगे इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं अब फ्लोरल फॉर्मूला जब आप लिखेंगे तो के सी ए जी लिखेंगे यहां पर तो के सी ए जी यहां पर भी के सी ए जी लिखेंगे लेकिन में मैंने आपको क्या बताया था लिली के अंदर एक चीज प्रेजेंट होती है जिसको आप कहते हो ये सिर्फ यहीं पर प्रेजेंट होती है तो के और सी नहीं लिखकर आप यहां पर क्या लिखेंगे पी ए जी बात समझ में आई के सी की जगह किसने ले ली है पी ने ले लिया ओके फेबेसी में सिंपल ट्रिक है आपकी फाइव प्लस फाइव इजिकल टू टेन फाइव प्लस फाइव इजिकल टू टेन आपकी सिंपल ट्रिक है तो के आपके फाइव हो गए सी आपके फाइव हो गए दैट इज वन प्लस टू प्लस टू फाइव हो गए यहां पर ए जो है ये आपके फाइव 5 प्लस 5 हो गए तो एंड जी जो है इसको आप वन लिख लीजिए क्यों क्योंकि क्लास में फर्स्ट आता है तो वन सोलिन पे था second, पे था थर्ड नंबर पे थर्ड इनकी बात तो यहीं पर खत्म कर देते हैं डन चलो अब यहां पर फाइव प्लस फाइव फिजिकल टू टेन हो गया वन प्लस टू प्लस टू क्यों लिखना है क्योंकि पेबेसी को आप पेप्लियोनेसी भी कहते हैं और पेप्लियोनेसी में कैसी एस्टिमेशन थी पेप्लियोशियस एक आपका स्टैंडर्ड दो आपके लेटरल सबसे नीचे आपके दो कील तो ये आपका सबसे बड़ा था एक ये आपके दो मीडियम थे दो और ये सबसे नीचे दो थे जो कि फ्यूज थे वन प्लस टू प्लस टू आपको मैंने उस टाइम पर याद भी दिलाया था तो इसे वन प्लस टू प्लस टू लिख दिया क्योंकि फेबेसी की बात हो रही है ओके एंड यहां पर फाइव एंड यहां पर टेन आपके हो जाए डाईडल्फ केस है तो ये दो आपके बंडल में प्रेजेंट है कैसे याद करना है सब कुछ बता दूंगा सोलन एसी में एक सिंपल जुगाड़ लगा दो मुगली गुट्टी पांच सौ पचपन फाइव 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 लिख दो तीनों जगह पर यानी यहां पर फाइव लिख दिया यहां पर फाइव लिख दिया यहां पर फाइव लिख दिया खेल खत्म ओके लिलियसी में आपको पता है पी ए जी आप लिख रहे हो पी ए जी का मतलब क्या है पागल और पागल को आप इंग्लिश में क्या कहते हो इडियट तो एक पिक्चर आई थी ना थ्री इडियट इससे हमें क्या पता लगता है कि इडियट वाला जो होगा यानी पागल वाला जो केस है लिलियसी वाला जो केस है ये ट्राएमेरस होगा इसमें थ्री लगा देना है आपको हर जगह पे यहां लिख दो थ्री प्लस थ्री थ्री प्लस थ्री और एंड में थ्री क्योंकि थर्ड नंबर पे आ रहा है सिंपल पहले तो ये याद कर लो सारा मैं आपको अलग से रिवाइज करा दूंगा अभी सिर्फ सुनो इसको बैठ के मैं आपको लिख के बताऊंगा तो आपको सारी चीज़ें रिकेप्युलेट हो जाए अब देखो यार अब यहां पर एक न्यूमोनिक है कि आप एक पीजी में पढ़ते हो राइट आप सबसे पहले एक जगह पे गए एक पीजी के अंदर गए आपने एक रूम लिया उस रूम में बोले भाई खाना बहुत ही अच्छा है न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाएगा तो तुम लोग सुबह तैयार होकर गए खाना लेने तो वहां पे तुम्हें क्या दे रखा था खाने के नाम पे पीजी के अंदर एक जूस का ग्लास था जिसके अंदर क्या था आपका करेला था करेले का जूस बना रखा था राइट ये तुम्हें मिला पीजी के अंदर तो यहां पर क्या है कच्चा करेले का ग्लास इन पीजी तो यहां पर कच्चा का मतलब क्या है कच्चा मतलब पहली फैमिली की बात हो रही है तो यहां पे के रहा है सी आ रहा है और ए आ रहा है तो यहां पर ब्रैकेट लगेगा तो के पे ब्रैकेट लगा दो पे ब्रैकेट लगा दो यानी पे तो वन प्लस टू पे तो ब्रैकेट लगाओगे नहीं सिर्फ नीचे वाले फ्यूज़ थे तो एंड वाले दो पे ब्रैकेट तो आइसोलेटेड ही रहेगी फ्यूज तो हो नहीं सकती फ्यूजन तो इन नौ में होगा ना तो इन नौ को आप क्या कर दो ब्रैकेट में रख दो नाउ करेले का ग्लास दैट इज के सी एंड जी ए रहने देना के पे लगाओ ब्रैकेट सी पे लगाओ और जी पे लगाओ काम खत्म ठीक है और यहां पर आपका सी और ए साथ में फ्यूज होते यानी कंडीशन है फिर पी तो यहां पर सिर्फ पी और जी पे लगाओ यहां पे ब्रैकेट लगा दो पी पे और जी पे लगा दो एंड यहां पर कंडीशन है तो P और A साथ में फ्यूज हो ये आपकी टोटल कहानी है अब ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूं अपने तरीके से ओके तीनों के तीनों नोट करेंगे एकदम अच्छे तरीके से और वो भी स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस तो दिक्कत होगी नहीं सबसे पहले मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने एक फैमिली देखी जिसका नाम था फेबेसी फेबेसी क्यों देखी सबसे पहले क्योंकि फर्स्ट आती है देन मैंने बीच में रख दी सोलेनेसी क्योंकि सेकेंड आती है एंड फिर मैंने रख दी एल फॉर लास्ट दैट इज लिलियसी क्योंकि ये लास्ट आती है यहां पर फेबेसी के पास परसेंटेज है क्योंकि ये फर्स्ट आता है सोलेनेसी को और मेहनत करने की जरूरत है लिलियसी पढ़ाई में बहुत बुरा है इसे मेहनत करने की भी जरूरत है यहां पर फेबेसी आपका बायसेक्शुअल हो जाएगा आपका सोलेनेसी बायसेक्शुअल हो जाएगा आपका लिलियसी बाइसेक्शुअल हो जाएगा इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं फेबेसी जब आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आप लिखेंगे के सी ए और जी सिमिलरली आप सोलेनेसी जब लिखने की कोशिश करेंगे आप लिखेंगे के सी ए और जी सिमिलरली आप जब लिलियसी लिखने की कोशिश करेंगे आप लिखेंगे पी ए और जी अब यहां पर के सी ए जी के अंदर अगर आप देखेंगे ट्रिक क्या थी आपकी फाइव प्लस फाइव फिजिकल टू टेन तो के में मैं फाइव लिख दूंगा यहां पर मैं लिख दूंगा वन वन प्लस टू प्लस टू यहाँ पर मैं लिख दूंगा नाइन प्लस वन और यहां पर मैं लिख दूंगा वन क्योंकि ये फर्स्ट आता है सुपीरियर ओवर ही है यहां पर मैं लिख दूंगा टू इसको फ्यूज कर दूंगा और यहां पर मैं लिख दूंगा थ्री इसको फ्यूज कर, कर दूंगा क्योंकि सबके अंदर कॉमन केस है वन टू थ्री मैंने इन्हें जानबूझ के लिखा था एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्योंकि ये फर्स्ट आता है ये सेकेंड आता है ये थर्ड आता है इसकी कहानी मैंने पहले ही खत्म कर दी यहां पर ट्रिक थी फाइव प्लस फाइव इजिकल टू टेन यहाँ पे ट्रिक थी मुगली गुटी पांच सौ पचपन फाइव यहां और एंड में थ्री में ऑलरेडी लिख चुका एक और ट्रिक थी यहां पर कच्चा करेले का ग्लास ओके कच्चा तो यहां पर के सी और ए है तो के के ऊपर ब्रैकेट लगा सी के ऊपर ब्रैकेट लगा ए के ऊपर ब्रैकेट लगा खेल खत्म करेले का ग्लास यानी के सी और जी K के के ऊपर लगा सी के ऊपर लगा जी के ऊपर लगा ए के ऊपर नहीं लगा लेकिन यहां पर आपकी एपी पटाइल कंडीशन होगी एंड ग्लास इन पी पी और जी के ऊपर ब्रैकेट लगेगा लग चुका है और एपी फाइलस यहां पर कंडीशन है पेरियंथ और फ्यूज।